अब आप बताइए, मान लो मुझे नेम में स्टोर कराना है कोई वैल्यू, यूजर से लेकर के स्टोर करानी है, तो क्या लिखूं? arr वन पर जो ऑब्जेक्ट है डॉट नेम इक्वल टू, जो भी स्कैनर का ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाया होगा, मैं मान के चल रहा हूं इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। इनपुट क्या है ये आप पिछली क्लासेस में देख चुके हैं ऑलरेडी, यूजर से इनपुट लेने के लिए। इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट से क्या होगा, कर्सर आएगा स्क्रीन पे, जो भी सॉरी यहां पर आएगा नेक्स्ट, क्योंकि इंटीजर नहीं नेम तो स्ट्रिंग होगा, तो इनपुट डॉट नेक्स्ट कर्सर आएगा, यूजर जो भी वैल्यू डालेगा जो भी नाम डालेगा वो किसमें जाके स्टोर हो जाएगा, arr के वन पोजिशन में जो ऑब्जेक्ट है उसके नेम के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही आप प्राइस स्टोर करा सकते हैं। क्लियर है आपको? अगर ये क्लियर है तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, मैंने लिखा arr 0.id इक्वल टू 7 SOP arr 0.id। बताइए मुझे स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, क्या कहा 7? ओके, तो मैं आपको बता दूं 7 इज रॉन्ग आंसर, ये आपको रन टाइम एरर देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्यों देगा? क्योंकि arr की जीरो पोजीशन पे क्या कोई अभी ऑब्जेक्ट असाइन है? अगर ऑब्जेक्ट ही असाइन नहीं है तो फिर आईडी नेम प्राइस तो एग्जिस्ट ही नहीं करते अभी, क्योंकि हमने देखा था कि ये चीज एग्जिस्ट तभी करेगी ना जब आप ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो एक ऑब्जेक्ट बनाए वो तो वन पोजिशन पर है, जीरो पोजिशन पर तो कुछ है ही नहीं, वहां पर तो नल पड़ा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि उसका आईडी में 7 चला जाए। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आईडी किस चीज का, और इस वजह से क्योंकि जीरो पोजीशन पे भी नल पड़ा हुआ है तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपको यहां पर दे देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगर आप चाहते हैं कि इसमें 7 जाए तो पहले जीरो पोजीशन पे ऑब्जेक्ट असाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? आप इस क्वेश्चन को एक बार चलाकर देखें, एक क्लास बनाएं, बुक आपने ऑलरेडी बनाई होगी अगर आपने पिछली वाली एक्सरसाइज की है तो, उसमें बुक आईडी नेम प्राइस रखें, और एक दूसरी क्लास के अंदर उसका एरे बनाएं, उसमें वैल्यू स्टोर करें और वापस स्क्रीन पर प्रिंट करके देखें। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इसे ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर बाकी एक्सरसाइजेस।